कहा से? आप ये देखिए कि जयपाल पूनिया की जिस तरह से हत्या यहाँ के बड़े राजनीतिक नेताओं ने करवाई है, उसके पीछे ये जो घटना है इसमें एमएलए के भाई मोती सिंह और महेंद्र का पूरा पूरा हाथ है। क्योंकि 2009 में जब जयपाल यहाँ पे आया, यहाँ उसकी किसी से जानकारी नहीं, इस मोती सिंह से जानकारी होने के बाद मोती सिंह उस समय इसके धंधे में साझेदार हो गया। और बाद में मोती सिंह जब लोगों से इलीगल कुएं खुदवा के और पैसे लेता था, इस बात का इसने विरोध किया, इन दोनों के बीच इस बात पर डिस्प्यूट हो गया। उसके बाद मोती सिंह ने इस बात को देखने के लिए कि ये मेरी मानता नहीं है, और इससे आपस में इनके डिस्प्यूट इतने बढ़े कि मोती सिंह ने अपने भाई की मदद ली, उनके राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए पुलिस, तहसीलदार और प्रशासन से इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। और धीरे धीरे इसने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के 4-5 ऐसे मुकदमे दर्ज करा दिए कि उसके बाद SHO से मिलके और SP को इन्होंने इसका वो रिकॉर्ड भेज के और ये कह दिया कि इसको आत्मदंड घोषित किया जाए अपराधी। स्टीसीट की डेफिनेशन में ये नहीं आता है। आज सारा अखबार मीडिया ये लिख रहा है कि जयपाल पूनिया स्टीसीटर को गोली मार के हत्या कर दी गई गुंडों के द्वारा। वो कोई स्टीसीटर नहीं था, सिर्फ उसका मोती सिंह से झगड़ा, और मोती सिंह ने उससे रंजिश रखते हुए ये सारे कारनामे उसने करवा लिए। आज आप ये देखिए कि 2.5 साल में ही उसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज करा दिए इसने, और एक ही जगह करवाए। एक खाड़ा जो उसके पास है वो 2009 से चल रहा है, उसके बाद 15 में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिया पर्यावरण का, उसी जगह पुलिस वालों से मिलकर राजकार्य में बाधा मुकदमे दर्ज करा दिया। 18 में आते आते उसी जगह की एक पुनः बिजली का कनेक्शन कटवा के और विभाग से उसको नोटिस दिला दिए गए। तीसरा मुकदमा फिर 2021 में दर्ज कराया, और एक बार इसने पहले भी इस पर हमला किया है। जब जयपाल अपनी फैक्ट्री से आ रहा था, इसने अपनी गाड़ी डिवाइडर पे लगा दी, उसको रोकने के लिए 5-7 आदमी इसके साथ बैठे थे। उसके बाद जयपाल घूम के अपने घर चला गया, ये इसके घर पीछे गया, उसकी गाड़ी को तोड़ा, और इसके खिलाफ उस मुकदमे को पुलिस ने माना। हालांकि उसमें FIR दे दी और उसने जयपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इन सब मुकदमों को जोड़ते हुए पुलिस से मिलके और इसको अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि ये इससे शुरू से ही रंजित रखता है जयपाल को, जब CMD सांबर साल्ट ने अपना सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त कर दिया, जयपाल ने NGT के अंदर इस झील के लिए मुकदमे लड़े, और नमक व्यवसायी जितने भी हैं उनकी जयपाल मदद करता है, और वो सारे के सारे लोग जिन इस मोती सिंह से मिले हुए हैं उनसे मिलके, और CMD के द्वारा जब उसको सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया, तो इसने ये नमक की जो चोरी कर रहा है खुद आपका मोती सिंह, उसके यहाँ छापे पड़वाए इसने। अब मोती सिंह ने ये सोच लिया कि जयपुर सांबर में रहते हुए ये मेरे पे आर्थिक रूप से इस तरह से ये सारे मेरे खाड़े पकड़वा रहा है, तो उसने उस पर अटैक करवा के और उसकी हत्या कर दी। विजय सिंह पूनिया में उसका ताऊ जयपाल। और मैं आपको ये बताऊं कि हिस्ट्री सीटर कौन होते हैं जिसके खिलाफ हत्या, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे दर्ज हो और 2 से अधिक मुकदमे जो सजा याफ्ता है उसको नियुक्त किया था। और इन्होंने क्या किया कि SHO से 4 मुकदमे दर्ज करवा के और SP को रिपोर्ट भेज दी, SP ने उस पर मोहर लगा दी, उसको बचाव और सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, उसने हाईकोर्ट में रिट लग रखी है, उस रिट के अंदर कोविड की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, और अभी पिछले दिनों इसके खिलाफ वापस पुनः झूठा मुकदमा दर्ज करवा के उसकी 482 लगी हुई थी, उसमें पुलिस से मिलके और इसको गिरफ्तार करवा के इस तरह से जनता के सामने पेश किया कि ये बहुत बड़ा अपराधी है। और आज बार बार ये कह रहे हैं इसके खिलाफ बहुत सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आप उन मुकदमों की नेचर को देखिए,
इसके खिलाफ जयपुर में पर्यावरण के जो मुकदमे मोती सिंह ने दर्ज कराए हैं उसके अलावा एक भी मुकदमा नहीं। जब आपके सांबर में या नावा में जनता से पूछ लीजिए किसी से उसका कोई विवाद नहीं। इन सारी परिस्थितियों में सिर्फ मोती सिंह की वजह से, और उस दिन भी यहाँ के सभी लोग ये कहते हैं कि मोती सिंह उसका पीछा करते हुए वहाँ नावा ये अपने टोल टैक्स तक गए कि उसकी क्या स्थिति है, बार बार होटल गए और जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ उसने रेकी करवाई है। तो इस सारी परिस्थितियों में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और उसका भाई विधायक उसकी कितनी भारी मदद कर रहा है। जयपाल कभी कोई भगोड़ा था, पुलिस ने लिखा पिछले केस में के साथ 9 महीने से भगोड़ा था। भगोड़ा वो होता है जो कोर्ट से स्टैंडिंग वारंट जारी हो जाए और पुलिस उसको ढूंढती थी, लेकिन वो तो अपने घर पे था और घर से उसको गिरफ्तार करके ले गए और बाद में अखबार में ऐसी खबर दे रहे उसको बदनाम करने के लिए। आज कौन थे वो गुंडे, किससे उसकी लड़ाई थी? आज पुलिस यदि छानबीन करे तो पूरे सांभर में ही नहीं पूरे राजस्थान में उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। और नावा के अलावा वो कहीं नहीं जाता, उसका यहाँ बिजनेस था और आज चंगा भला उसका बिजनेस चल रहा था, उस पर उसने अटैक किया है। ये सिर्फ अपनी रंजिश की वजह से, वो क्या है कि उसके पीछे लग गया सिर्फ किसी वजह से, सांभर झील की सिक्योरिटी ऑफिसर की वजह से। तो इसको अब ये भय हो गया कि ये मेरे सारे धंधे पकड़वाएगा, तो वो सारे इलीगल काम करता है। आज नावा की जनता जानती है कि आपके विधायक और उसकी क्या पोजीशन है। आज यहाँ पे पूरे शहर में आप देख लीजिए एक भी आदमी जयपाल के खिलाफ नहीं है। आज इतने सारे लोग, इतने सारे MLA MP कैसे आ गए उसके समर्थन में, आम जनता कैसे बोल रही है उसके समर्थन में। ये उसकी पहचान, ये उसका त्याग और बलिदान जो सांभर झील के लिए और नावा के लिए किया है, इसलिए आज ये जनता उसके साथ है।